नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विशाल शुक्ला। आपके सामने उपस्थित हूं आज आपके पूरे दिन का हल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। आज दिनांक 3 मार्च 2024 दिन रविवार। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो कि प्रातःकाल 8:40 तक है और इसके बाद अष्टमी है। अनुराधा नक्षत्र शाम दोपहर में 3:30 तक है और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र है। अगर योग की बात करें तो हर्षण योग है और बब करण है। ये तो बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचरण कर रहे हैं और अभिजीत मुहूर्त का समय है दिन में 11:48 से लेकर के दोपहर में 12:34 तक का। वही राहु काल जो होगा वो शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। प्रिय दर्शकों, अगर आप कोई नया और शुभ काम करना चाहते हैं तो उसको अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करिए। यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन राहु काल में कोई भी नया और शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। चलिए राशिफल की बात करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। धीरे धीरे करके आज का दिन जैसे ही बीतेगा आपकी उलझने, आपका तनाव धीरे धीरे करके समाप्त होता हुआ चला जाएगा। जो भी पूर्व के दिनों से उलझने आ रही हैं धीमे धीमे करके समाप्त होने की तरह बढ़ जाएंगे। प्रयास करिएगा कि आज कोई नया काम शुरू ना करें, कोई ऐसा काम शुरू ना करें जिसमें जोखिम हो, रिस्क वाला काम करने से आज बचिएगा। हाँ, अगर आपका पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था उसको उसमें बात करने के लिए, या मान लीजिए आपके घर में विवाद है उसको बात करके सलाह मशवरा करके उसको शांत करने का प्रयास करिए, उसके लिए दिन आज का अच्छा है। जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो सभी आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, दिन उनका बढ़िया होता है। वृषभ राशि। वृषभ के लिए दिन आया अच्छा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनको आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आज प्रातःकाल गुड़ का दान कर दे वृषभ राशि के जातक, दिन उनका बेहतर हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कलह से बचिएगा। बाकी आपके सोचे हुए जितने भी काम है वो आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी के बावजूद आज मिथुन राशि के जातक सारा दिन व्यस्त रहेंगे, किसी ना किसी काम में व्यस्तता बनी रहे। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं वो प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल दें, दिन बढ़िया रहेगा। कर्क राशि। कर्क के लिए दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी के बावजूद अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंधों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि के सभी जातक बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ आज तनाव की स्थिति ना बने। किसी बात को लेकर के अगर कोई तनाव की स्थिति बनती है तो उसको शांति से सुलझाने का प्रयास करिएगा। कर्क राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल देंगे, दिन उनका बेहतर हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह के लिए दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी है, घर की साफ सफाई, साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन का जो काम होता है उसमें आज व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर छुट्टी के बावजूद आज अपने कार्यक्षेत्र में आप हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, इस चीज का बहुत ध्यान दीजिए और ये आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन छुट्टी होने के बावजूद इतना काम मत ले लीजिएगा कि आप छुट्टी आपकी पूरा दिन ऐसे ही बीत जाए। क्यों? क्योंकि थकान और मानसिक स्थिति में तनाव भी दिख रहा है, इससे बचिएगा। सिंह राशि के सभी जातक प्रयास करें भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और देर तक सोने से बचें, इस चीज का विशेष ध्यान। कन्या राशि। कन्या के लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही, बाकी दिन आपका बढ़िया है। छुट्टी का पूरा आनंद लेंगे, आराम के मूड में आज दिखाई दे रहे। कन्या राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ गाय को खिला देंगे, आज का दिन उनका बेहतर बना रहेगा। तुला राशि। तुला के लिए दिन बहुत अच्छा। छुट्टी होने के बावजूद अगर आप व्यापारी वर्ग गए तो आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा है, नौकरी में कोई आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप वो गाड़ी अगर चलाते हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएंगे, उसमें स्पीड से या स्टंट के चक्कर में चोट चपेट ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। तुला राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ गाय को खिला दें, दिन उनका बेहतर हो जाए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए दिन बहुत अच्छा है, यथावत बना है कल की तरीके आज भी। लेकिन वृश्चिक राशि के सभी जातक आज क्रोध करने से बचेंगे, बेवजह छोटी छोटी बातों में उत्तेजित होना अच्छी बात नहीं है।
वृश्चिक राशि के सभी जातक प्रातःकाल भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें, दिन उनका बेहतर बना रहे। धनुराशि, जैसे जैसे दिन बीतेगा आपकी उलझने आपकी परेशानियां धीमे धीमे करके खत्म होती चली जाएंगी और शाम तक स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन धनुराशि के सभी जातक फिर भी व्यर्थ के खर्चों से आज बचे, बेवजह दिखावे में आके धन बर्बाद ना करें। धनुराशि के सभी जातक आज प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और उनके समक्ष खड़े होकर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, दिन बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, मकर के लिए दिन अच्छा है, लाभ की स्थितियां तो बन रही, लेकिन आज आपके खर्चे भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा तो आएगा लेकिन जैसे आएगा वैसे ही खर्च भी हो जाएगा, इस चीज का ध्यान दीजिए, धन को संचित करिए, बर्बाद मत करिएगा। मकर राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ गाय को खिला दीजिएगा, दिन बढ़िया हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ के लिए दिन बढ़िया है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आप प्रयास करिए कि अगर आपके घर के कुछ पेंडिंग काम चल रहे हैं उस पेंडिंग कामों को आज पूरा करने का प्रयास करिए, उसको निपटाइए। शाम होते होते लाभ के रास्ते भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए। कुंभ राशि के सभी जातक बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आज क्रोध में आकर के अपने प्रेम संबंधों को बिगाड़ ना लें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा वरना बना बनाया प्रेम संबंध आपका बिगड़ जाएगा। कुंभ राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल गुड़ का दान करें, गाय को खिला दें, मंदिर में दे दें, दिन उनका बेहतर हो जाए। और अंतिम राशि अगर मीन की बात कर लें तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको आज भी बनाए रखना है, कोई यथावत चल रहा है, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में अगर कोई समस्या आ रही थी, कोई रुकावट आ रही थी, कोई बना बनाया काम आपका रुक रहा था, वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे। मीन राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल थोड़े से गुड़ का दान कर देंगे, दिन उनका बेहतर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, इसकी चर्चा हमने आपसे, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।